महिला दांव के सहारे कांग्रेस पार्टी यूपी में सियासी जमीन तलाश रही है। पहले यूपी विधानसभा चुनाव में 40% महिला उम्मीदवारों को टिकट देने का वादा किया गया है और अब छात्राओं को लैपटॉप और इलेक्ट्रिक स्कूटी देने की भी बात कही गई है। कांग्रेस का एक और महिला कार्ड। सरकार बनने पर स्कूटी, स्मार्टफोन देने का वादा। ४० प्रतिशत महिलाओं को टिकट देने का भी दांव। सात प्रतिज्ञा में से दो की घोषणा, अब 5 का इंतजार। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। यूपी चुनाव के लिए प्रियंका गांधी आधी आबादी को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। वो नई नई घोषणाएं कर कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की पूरी कोशिश कर रही हैं। पहले 40% महिलाओं को टिकट देने की घोषणा और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने की घोषणा को कांग्रेस का बड़ा दांव माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी से ऐतिहासिक फैसला बता रही है। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से अपनी ये दूसरी प्रतिज्ञा सामने लाने का काम किया है। प्रदेश में नारी शक्ति को सम्मान मिले, उनका स्वाभिमान बढ़े और उनको सुरक्षा मिले, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार संकल्पित हैं और काम कर रहे हैं। कांग्रेस महिलाओं के सहारे यूपी में सियासी मैदान फतह करने की तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ विरोधी इस पर तंज कसने में पीछे नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो आसमान से तारे तोड़कर भी ला सकती है। इस समय कांग्रेस पार्टी के पास जीतने के लिए आज दर्जन भर सीटें ऐसी नहीं हैं जहां वो ये दावा कर सके कि वो चुनाव जीत जाएं। हाथ के पंजे उनके चुनाव निशान में जितनी उंगलियां हैं उतनी सीटें जीत जाएं तो बड़ी बात है, और उसके बाद वो आप चाहे महिलाओं को 40% सीटें देने की बात कर रहे हों या स्कूटी देने की और तमाम तरह के नए नए लोक लुभावन वादे करने की बात करें, जनता इस लुभावन वादों में नहीं आएगी। यूपी चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी वादों की झड़ी लगा रही है। आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने पर 300 यूनिट तक फ्री बिजली का वादा किया तो इससे पहले 2012 में समाजवादी पार्टी ने भी 12वीं पास कर चुके छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने की घोषणा की थी। वहीं योगी सरकार ने भी युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण के लिए मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस योजना पर करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कांग्रेस 7 प्रतिज्ञा के सहारे यूपी फतह करने की तैयारी में है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर 2022 में जनता किसकी सरकार बनाने की प्रतिज्ञा लेती है। टीम न्यूज़ स्टेट।